हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो, मेरा चैनल बेस्ड है फैशन के रिलेटेड। मैं फैशन के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल रिव्यू एंड सम DIY। सो अगर आपको कोई प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ लिप बाम। तो मेरा छोटा सा कलेक्शन है लिप बाम का, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो मेरी कलेक्शन में पहले नंबर पे है बोरोलिन। बोरोलिन का छोटू सा टब है जस्ट इन 10 रुपीज़, और इसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है 6 ग्राम। सो अगर हम बात करें कि बोरोलिन किस तरीके से काम करती है, इट्स लाइक अ थिक क्रीम। तो सर्दियों में जैसे हमारे लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इवन यहाँ नोज़ के पास एरिया में काफ़ी ज़्यादा हमें ड्राइनेस हो जाती है, इवन हमारे चीक के ऊपर थोड़ा लाइक फ्लेकी स्किन आ जाती है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। काफ़ी ही थिक क्रीम है एज़ यू कैन सी। मैं आपको दिखा देती हूँ, सी काफ़ी ज़्यादा थिक क्रीम है। और इसकी ना थिक लेयर ही लगाएं लिप्स के ऊपर तो अच्छे से वर्क करती है। मैंने भी बताया कि इसकी जो कंसिस्टेंसी, अगर हम थिक वे में यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमें देगा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा हम बात करें कि ये स्किन के बाकी प्रॉब्लम के ऊपर कैसे वर्क करता है, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी इस बोरोलिन को, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी है। इन 10 रुपीज़ आपको काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो जो भी मेरी कलेक्शन है, मैंने ना प्राइस के अकॉर्डिंग सेट की है। टोटल मेरे पास 12 लिप बाम्स हैं, तो ये सबसे कम प्राइस की थी 10 रुपीज़ की, तो मैंने ये सबसे आगे रखी है। वर्क के अकॉर्डिंग नहीं सेट किया है मैंने, प्राइस के अकॉर्डिंग सारे लिप बाम्स को सेट किया है। तो गाइस, सेकेंड नंबर पे है हिमालय की लिप बाम। इसका प्राइस है 35, और इसमें मिलता है हमको 10 ग्राम प्रोडक्ट। इसमें है वीट जर्म ऑयल और कैरेट सीड ऑयल, और ये कहते हैं कि आपके लिप्स को नरिश करेगा और ड्राइंग और चैपिंग से बचाएगा। सो या इसका रिजल्ट अगर मैं बोलूँ आपको मिल जाता है 2 to 3 डेज में, ठीक है। तो अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, तो जैसे वैसलिन जेली की होती है ना, और वैसा ही है इसका कंसिस्टेंसी। और मैं यहाँ पे साइड में क्लिप डाल दूँगी कि लिप्स पे ये कैसी लगती है, सभी की क्लिप्स डाल दूँगी मैं साइड में। और या यू कैन सी, और ये ना काफ़ी शाइनी सा भी लगता है बाद में, अगर लाइक आप कोई मेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो मेकअप करते टाइम आपके लिप्स चैप्ड हो रहे हैं, पहले तो लगानी होती है, बट अगर बाद में भी लगता है आपको लिप्स चैप हो रहे हैं, तो ऊपर से लगाएंगे तो एज अ ग्लॉस का भी ये काम करती है, थोड़ा शाइनी इफेक्ट भी देती है। गाइस, थर्ड नंबर पे है वादी की लिप बाम। ये कुछ इस कंटेनर में आती है, और प्लास्टिक का कंटेनर है, अच्छा है। और इसके पीछे इसका प्राइस वगैरह, इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चर लिखी हुई है, और इसमें इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए हैं स्टीम डिस्टिल स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, ऑर्गेनिक हनी, सोया ऑयल, ग्लिसरीन एंड प्योर आलमंड ऑयल। सो अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो काफ़ी अच्छी है। अभी यू कैन सी ये काफ़ी क्यूट सा कलर है इसमें, पिंक कलर की। और इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और लाइक प्योर स्ट्रॉबेरी होती है ना, वैसा परफ्यूम होता है जैसे, और डिटो वैसा ही इसका फ्रेग्रेंस है। तो या गाइस, अगर हम बाम की थिकनेस की बात करें, तो काफ़ी अच्छी थिकनेस है इसकी। ज़्यादा थिक बाम होगी तो अच्छे से हमें रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगी स्किन के ऊपर, हमारे लिप्स के ऊपर। यू कैन सी इसका टिंट काफ़ी लाइट सा है, लगाने के बाद इतना पता नहीं चलता, बट इसकी शाइन अगर बात करें तो शाइन काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है इसमें, यू कैन सी। तो अगर आपको शाइनी लिप्स पसंद है, तो आप लिपस्टिक के बाद में यूज़ कर सकते हैं इसको टू गिव शाइन। अगर हम बात करें इसके वर्क की, तो काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये भी। ये मेरी सेकेंड टाइम की परचेज़ है, पहले मैंने यूज़ की है इसको। पहले मेरे पास था 80 वाला टब, वो इससे ना थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इसका डबल साइज़ होता है। सो या गाइस, ये भी मुझे अच्छी लगती है, तभी मैंने अपनी कलेक्शन में इसको दोबारा ऐड किया है। सो अगर हम बात करें इसके वर्क की, तो मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूँगी। फोर्थ नंबर पर है वैसलिन की लिप बाम, रोजी लिप्स। और अगर बात करें हम इसके प्राइस की, ये है 45 रुपीज़ की, और इसमें आपको मिलती है 10 ग्राम प्रोडक्ट और 3 ईयर की शेल्फ लाइफ के साथ। और अगर हम बात करें कलर की, तो रोज़ी लिप्स है तो ऑब्वियस इसमें थोड़ा लाइट पिंक कलर होगा,
मैं दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरीके का इसमें है बाम। तो अगर हम बात करें कि टिंट छोड़ता है आपके लिप्स पे, तो या अगर आपके ओवर पिगमेंटेड लिप्स हैं तो मे बी इसका टिंट शो ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट मेरे लिप्स पे शो हो जाता है। मैं आपको क्लिप ऐड कर दूंगी साइड में, हाथ पे इतना पता नहीं चलेगा, बट लिप्स पे जब लगाते हैं से लाइट पिंक है, बिल्कुल काफ़ी लाइट। तो आप इसको अपने चीक्स पे भी लगा सकते हैं टू गिव पिंकिश लुक। और इसके अलावा लिप्स पे अगर हम इसके बात करें कि कैसा वर्क करती है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और बिकॉज ऑफ इट्स टिंट, आप अगर मेकअप के ऊपर लगाते हैं, लाइक लिपस्टिक के ऊपर लगाते हैं, तो काफ़ी प्यारा सा कलर आता है। और डेली में भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लाइट टिंट। और अगर मैं बात करूँ 10 में से, मैं 10 में से इसको 9 दूंगी, 9.5। फिफ्थ नंबर पे है NYB की लिप बाम, इसका नाम है मेलन ऑरेंज, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़ फॉर 3 ग्राम प्रोडक्ट। और अगर बात करें हम इसकी कंसिस्टेंसी की, जैसे बीस वैक्स होता है ना, थोड़ा सर्दी के टाइम थोड़ा ड्राई आउट हो जाता है, थोड़ा जम जाता है ओवर थोड़ा, तो वैसा है। इस तरीके से अगर आप लिप बाम को निकालने की कोशिश करेंगे तो आएगी नहीं। सो नेल के साथ ना ऐसे कीजिए, आ जाएगी आराम से। बट अगर बात करें लिप्स के ऊपर कैसे वर्क करती है, अगर ड्राई भी हो इस तरीके से, तो इसमें थोड़ा बीस वैक्स होने के कारण थोड़ा ऐसा हो जाता है, बट जब हीट मिलती है इसको बॉडी की लिप्स के ऊपर, इजिली ना ये ब्लेंड हो जाती है। सी, इजिली हो गई, काफ़ी इजिली ब्लेंड हो जाती है ये, है ना, कि ये आपके लिप्स को प्लम्प प्रोवाइड करता है। जैसे हम पेपरमेंट का यूज़ करते हैं लिप ऑयल में, लिप ऑयल आते हैं ना पेपरमेंट वाले, उसके साथ क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो जो हमारे लिप्स होते हैं थोड़े स्वेल से हो जाते हैं, तो थोड़ा प्लम्प इफेक्ट आ जाता है। वैसा उतना तो नहीं आता, बट हाँ कुछ कुछ वर्क करता है ये उसमें। और अगर मॉइस्चराइजेशन की बात करूँ तो लिप्स को मॉइस्चर रखता है काफ़ी अच्छे समय तक। और अगर आपको पसंद नहीं है टिंगलिंग इफेक्ट आपके लिप्स के ऊपर, तो आपको मे बी ये पसंद ना आए। अदरवाइज जो लोग लाइक करते हैं वैसा कुछ इफेक्ट, तो उनके लिए ये अच्छा बाम है। 6 नंबर पे है पाल्मर की कोकोआ बटर फॉर्मूला विद विटामिन ई लिप बाम। और अगर हम बात करें पैकेजिंग की, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, और ये लिप बाम आती है SPF 15 के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट वाली बात है इसमें। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको सभी के जो प्रोडक्ट हैं सभी की बॉटल्स के पीछे या जो इस ट्यूब टाइप में है उनमें मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कि किस तरीके की है इसकी लुक, काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल लिप बाम से थोड़ा डिफरेंट शेप है इस लिप बाम का, इस तरीके से बाहर आ जाती है। और नॉर्मल लिप बाम में कैसा होता है, वो गोल सा शेप होता है, बट इसका थोड़ा चेंज है एज यू कैन सी। और इसकी जो स्टेइंग पावर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। करूँ इसके टिंट की, तो एज यू कैन सी ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है, तो इसका कोई कलर तो नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ शाइनी की, जैसे नॉर्मल लिप बाम्स होती है ना, लगाने के बाद शाइनी शाइनी सा इफेक्ट दे देती हैं, वैसा इफेक्ट नहीं देती है लिप बाम। बट अगर मैं बात करूँ स्टेइंग पावर की, तो ये काफ़ी अच्छे लंबे समय तक हमारे लिप्स को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगता है मुझे। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। तो आगे हैं 7, 8 और 9, मैं 7th, 8th और 9th नंबर पे ये रखूंगी, 9th पे एक्चुअली ये वाली। बट इनका प्राइस अभी का तीनों का 175 है, बट अभी सेल चल रहा है नायका पे, मोस्ट ऑफ द टाइम 140 और 145 के करीब आपको ये मिल जाएंगी। तो पहले बात करते हैं बायोटिक के बारे में। बायोटिक की है बायो बेरी लिप प्लम्पिंग बाम, और इनका कहना है कि ये स्मूथ करती है लिप्स को और स्वेल करती है। अगर मैं बात बोलूँ तो स्मूथ की, तो स्मूथ तो करती है क्योंकि ये बाम है, बट अगर स्वेल लिप्स की बात करें कि प्लम्प इफेक्ट, तो मैं उसके बारे में बोलूँगी 10 आउट ऑफ 0, क्योंकि कोई भी इफेक्ट ऐसा नहीं मिलता इस बाम को लगाने के बाद में। और इसके पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सभी पैकेजिंग के पीछे आप देख सकते हैं। और अगर आपको पहले देखना हो कि कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोडक्ट में, तो नायका के ऊपर जाएंगे तो उसमें लिस्ट में डिटेल में लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट किस किस चीज़ से बना है। तो अगर बात करें हम इसकी बाम की टिंट की, तो ये टिंटेड लिप बाम है एज यू कैन सी, पिंक कलर में। इसका कलर पिंक पिंक सा है इस तरीके का।
आपके लिप्स पे अच्छे से शो भी हो जाता है लाइक 2 टू 3 लेयर्स के बाद में. बट अगर मैं बात करूँ कि ये कैसा वर्क करता है लिप्स के ऊपर, एक्चुअली आई रियली डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. मैं इसको 10 में से 3 ही नंबर दूंगी. बायोटिक के बाकी के प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, बट ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता. ये 8th और 9th नंबर पे बेबी लिप्स. एक टिंटेड है ये वाली, और एक टेंटेड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट वाली है. पहले मैं ये दिखा देती हूँ. इसका प्राइस है 175. इसमें मिलता है आपको 4 ग्राम प्रोडक्ट. यू कैन सी लाइट पिंक सा है इसमें जो बाम दिखा रहे हैं, बट ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है. और अगर मैं बात करूँ इसके काम की कि कैसे वर्क करती है लिप्स के ऊपर, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी. काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है बेबी लिप्स, और इवन ये मेरी पूरी कलेक्शन में से फेवरेट वन भी है. और नेक्स्ट है टिंटेड वाली लिप बाम. सी नेक्स्ट वन इज़ आलिया न्यूयॉर्क लिमिटेड एडिशन मेबलिन बेबी लिप्स. सो इसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है. एज यू कैन सी लिपस्टिक टाइप का है कलर. मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे. सी अगर आप ऐसे हैं कि आपको लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, बट क्योंकि वो ड्राई करती हैं, तो आप इस लिप बाम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करती है लिप्स को और प्रोटेक्ट करती है लिप्स को. और अगर बात करें कि ये काम कैसा करती है, जो नॉर्मल वाली है वैसा ही ये काम करती है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें टिंट है. मुझे डेली में टिंट लगाना पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मल वाली को ज़्यादा लाइक करती हूँ. बट अगर आप इसको पसंद करते हैं टिंट वाली को, लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल होती हैं, तो वो इवन ये अफोर्डेबल भी है और अच्छा वर्क भी करती है, और आपको टिंट भी अच्छा प्रोवाइड करती है ये ना. आप वाली. इस लिप बाम को एज अ क्रीम ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट सा मेकअप पसंद है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं लिप्स के ऊपर, चिक्स के ऊपर, और आईज़ के ऊपर भी. आप थोड़ा सा फिंगर टिप पे लेके थोड़ा ऐसे अप्लाई कर लें, तो काफ़ी अच्छा टिंट सा शो करता है. और अगर मैं बात करूँ तो इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगी, बिकॉज मुझे टिंट इतने पसंद नहीं है डेली में लगाने के लिए, बट अगर कभी कभी लगाने हो तो उसके अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ 10. आगे 10th नंबर पे है कलर बार की लिप बाम. आपको याद ही होगा ये काफ़ी फेमस हुई थी यूट्यूब के ऊपर, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर. और अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से कलर हैं, इसमें आपको मिलता है पर्पल सी, और दूसरा कलर मिलता है आपको पिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और थर्ड मिलता है आपको लाइट ऑरेंज, ये पीच फ्लेवर में है. ये एक्चुअली मैंने तीनों काफ़ी यूज़ किए हैं, ये तो ख़त्म होने वाला ही है. और इसका वर्क भी अच्छा है, लाइक लिप्स के ऊपर अच्छे से वर्क करता है. चैप लिप्स होते हैं, उनको अच्छे से नरिश प्रोवाइड करता है, बट उतना अच्छा नहीं बोल सकते जितना बेबी लिप्स का लिप बाम है. इसमें 3 फ्लेवर्स आते हैं. आपको अगर 3 फ्लेवर अच्छे लगते हो डिफरेंट डिफरेंट लिप बाम में, और थोड़ा स्टाइलिश पैकेजिंग चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं. अगर मैं बात करूँ 10 में से, तो 10 में से मैं इसको दूंगी 8. 11th नंबर पे है जूसी केमिस्ट्री की लिप बाम. इसका प्राइस है 350, और इसमें आपको मिलता है 5 ग्राम प्रोडक्ट, और ये है ऑरेंज ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप ऑर्गेनिक लिप बाम फॉर पिगमेंटेड लिप्स. तो इनका कहना है कि जो आपकी पिगमेंटेड लिप्स होते हैं, उनको लाइट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है. मैंने यूज़ भी किया है इसको काफ़ी. एज यू कैन सी इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, बट रिजल्ट तब अच्छा है अगर आप इसको कंटिन्यू में यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं है कि 2 दिन लगाया 3 दिन नहीं लगाया, तो ऐसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो कंसिस्टेंसी काफ़ी सॉफ्ट है सी, इजिली ब्लेंड हो जाती है लिप्स के ऊपर, और काफ़ी थिन लेयर है. ऐसा नहीं है कि थिक सा है, आपको ज़्यादा फील होगा कि लिप्स पे कोई प्रोडक्ट है, तो काफ़ी थिन लेयर है. तो इजिली आप इसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, और आपके लिप्स को काफ़ी लंबे समय तक ही आपको नरिश प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सपल भी रखेगा, सॉफ्ट भी बनाता है. बात करूँ नंबर्स की, तो मैं 10 में से 9.5 दूंगी इस बाम को, और ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट भी है. आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं. इसमें इन्होंने बोला कि प्रिजर्वेशन नहीं है कोई चीज़ का, मतलब कोई केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव कोई नहीं डाला इन्होंने. तो लिमिटेड इनका शेल्फ लाइफ होता है, तो उसमें ही आपको ये प्रोडक्ट कंप्लीट करना होता है. तो इतना तो टाइम होता ही है कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम विद इन 6 मंथ और 1 ईयर में कंप्लीट कर ही देते हैं.
लास्ट पे है 12th नंबर पे द बॉडी शॉप के लिप बाम, और इसका प्राइस है 395। तो इसको तभी मैंने लास्ट पे रखा था, और ये है SPF 15 के साथ। तो जो लिप बाम्स होती हैं ना SPF 15 या SPF 20 के साथ, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे लिप्स होते हैं सनलाइट से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो घर पे हो तो नॉर्मल वाला यूज़ कर सकते हो, बट अगर आउटडोर जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी तो आप लिप बाम वो यूज़ करो जिसमें SPF हो। और अगर बात करें कि इसका वर्क कैसा है लिप्स के ऊपर, तो मैं बोलूँगी 10 out of 10, इतना ज़्यादा अच्छा ये बाम है। और इसका जो फ्रेगनेंस है काफ़ी अच्छा सा है, और इसका टेस्ट लाइक हो जाता है ना कि हम टेस्ट कर ही लेते हैं कि लिप्स पे अगर कोई प्रोडक्ट लगा होता है उसकी फ्रेगनेंस आ ही जाती है। तो मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके पीछे लिखे हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके टिंट की, तो ये आती है ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, वनीला फ्लेवर है इसका और काफ़ी अच्छा है। और इसमें भी व्हीट जर्म ऑयल है और वाइटमिन ई जैसे दूसरी में था। तो व्हीट पर जर्म ऑयल क्यों क्यों यूज़ करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट में, तो ये नरिश करता है हमारी स्किन को। और अगर बात करूँ इसके वर्क की, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, 10 out of 10। तो या गाइस, दैट्स माय वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मेरा प्रोडक्ट का कलेक्शन थोड़ा छोटा था, बट वीडियो थोड़ा लंबा चला गया बिकॉज मैं थोड़ा डिटेल में बता रही थी। सो या गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको एंटरटेनिंग लगा हो तो वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पूछना है, तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो या गाइस, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो एंड थैंक्स टू क्लिक ऑन माई वीडियो। बाय गाइस।